हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। केंद्रीय विद्यालय ने भी प्राथमिक की बहाली में बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है और इन्होंने एक मौका दिया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास डीएलएड का भी डिग्री है और बीएड का भी डिग्री है, तो उनको डेट दिया गया है 17 सितंबर तक डीएलएड की डिग्री को बीएड की डिग्री को चेंज करके डीएलएड का डिग्री अपलोड करने का, क्योंकि इन लोगों को बहुत जगह से आवेदन प्राप्त हुए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा, कि उनके पास डिप्लोमा और बीएड दोनों योग्यता है, लेकिन जो आवेदन इन्होंने कर दिया था वो बीएड की योग्यता पर ही किया था। तो ऐसे लोगों को जो है सर्टिफिकेट चेंज करने का मौका जो है दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में निर्णय लिया गया है। इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था, जब इनका विज्ञापन आया था ना, तो उसी टाइम इन्होंने क्लियर कर रखा था कि पीआरटी के पद को भरने के लिए दोनों, मतलब डिग्री वाले आवेदन करेंगे, बीएड वाले भी और डीएलएड वाले भी चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे, साक्षात्कार भी होगा मेरिट सूची में, लेकिन जो उनको शामिल किया जाएगा वो उच्चतम न्यायालय के फैसले के अधीन होगा। तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दिया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में निर्णय लिया गया है कि इनको जो है 1-5 में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक शर्त यहाँ पे है कि 26 दिसंबर 2022 से पहले जिन्होंने डीएलएड किया है वही अपना सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।